हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दुनिया के और कुछ आश्चर्यजनक और मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की रानी थीं। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि एक किशोरी के रूप में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय लेबर एक्सचेंज में ब्रिटिश रोजगार एजेंसी में शामिल हुई और ट्रक, इंजन और टायर मरम्मत के बारे में सीखा। वह एक प्रशिक्षित मैकेनिक थी। नंबर दो, आजकल हर कोई हैशटैग नामक शब्द या प्रतीक से परिचित है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसी लगभग हर सोशल साइट्स पर आपको यह सिंबल मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आया कहाँ से? हैशटैग का असली नाम ऑक्टोथॉर्पे है। ऐसा माना जाता है कि 1960 के दशक में टच टोन डायलिंग के आगमन के साथ दूर संचार उद्योग द्वारा ऑक्टोथॉर्पे को अपनाया गया था, लेकिन यह अज्ञात है कि वास्तव में प्रतीक को इसका अजीब नाम कैसे मिला। ऑक्टो भाग लगभग निश्चित रूप से प्रतीक पर 8 बिंदुओं को संदर्भित करता है, लेकिन थोरपे भाग रहस्यमय है। नंबर तीन, दुनिया के सबसे बड़े देश के बारे में आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में जानते हैं? 0.19 वर्ग मील में फैला वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस शहर राज्य की जनसंख्या केवल 825 है और यह रोम, इटली से घिरा हुआ है। यह छोटा देश रोमन कैथोलिक चर्च के मुख्यालय है। अविश्वसनीय रूप से यह मैनहट्टन से 120 गुना छोटा है। नंबर चार, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। ये तो एक बच्चे को भी पता होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर सबसे आखिर में जोड़ा गया था। यह 1524 तक नहीं था, जब जियान जियोर्जियो ट्रिसिनो, एक इतालवी पुनर्जागरण व्याकरणविद, जिन्हें जे अक्षर के जनक के रूप में जाना जाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि अक्षर बनने से पहले आय अक्षर का उपयोग आई और जे दोनों ध्वनियों के लिए किया जाता था। नंबर पाँच, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग सभी पक्षियों में सबसे ऊंचा और भारी होता है, जबकि विशाल शुतुरमुर्ग एक पक्षी है। यह उड़ता नहीं है, इसके बजाय यह जमीन पर चलता और दौड़ता है। क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है? उनका छोटा दिमाग वास्तव में उनकी एक आंख की पुतली से भी छोटा होता है। है ना मजेदार? नंबर छः, किट कैट के बारे में हम सभी जानते हैं, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। गांव हो या शहर, किसी भी दुकान में आपको दिख जाएगा। किट कैट एक चॉकलेट से ढका वेफर बार है। इसका उत्पादन वैश्विक स्तर पर नेस्ले कंपनी द्वारा किया जाता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जापान में 200 से अधिक किटकैट फ्लेवर पाए जाते हैं। जापानी लोग किटकैट को पसंद करते हैं और विभिन्न शहरों, क्षेत्रों और यहाँ तक कि विभिन्न मौसमों के लिए अद्वितीय फ्लेवर्स बनाते हैं। स्वादयुक्त किटकैट के प्रति जापानियों का प्रेम इतना अधिक है कि टोक्यो में चॉकलेट से ढके वेफर्स को समर्पित एक बुटीक खोला गया। तो चले जापान किटकैट खाने। नंबर सात, फिंगरप्रिंट मानव उंगली की लकीरों द्वारा छोड़ी गई एक छाप है। मानव उंगलियों के निशान विस्तृत, लगभग अद्वितीय, बदलने में कठिन और किसी व्यक्ति के जीवन पर टिकाऊ होते हैं, जो उन्हें मानव पहचान के दीर्घकालिक मार्कर के रूप में उपयुक्त बनाते हैं। हेनरी फोल्ड्स एक स्कॉटिश डॉक्टर, मिशनरी और वैज्ञानिक थे जो फिंगरप्रिंटिंग के विकास के लिए जाने जाते हैं, और 1858 में सर विलियम जेम्स हर्शेल ने भारत में फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत की थी। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि हमारी उंगलियों के निशान की तरह ही हमारी जीभ के निशान भी अनोखे होते हैं। जीभ की विशेषताएं यौन द्विरूपता प्रदर्शित करती हैं, जिससे व्यक्ति की पहचान में सहायता मिलती है। एक नवीन बायोमेट्रिक उपकरण के रूप में उभरते हुए जीभ प्रिंट एक संभावित फोरेंसिक उपकरण है। नंबर आठ, हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता? एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मे जर्मन पॉलिटिशियन थे, जो जर्मनी के तानाशाह थे। एडोल्फ हिटलर अब तक का सबसे शक्तिशाली और क्रूर तानाशाह था। अगर मैं कहूं कि एडोल्फ हिटलर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, चौंक गए ना आप?
एडॉल्फ हिटलर को 1939 में स्वीडिश संसद के एक सदस्य द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। दरअसल उन्होंने मजाक के तौर पर एडॉल्फ हिटलर को नॉमिनेट किया था और बाद में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। तो आशा करते हैं ये मजेदार जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।